हेलो एवरी वन वेलकम बैक ऑन दिस यूट्यूब चैनल तरंग अकेडमी सो so, आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एलिजा टेस्ट के बारे में सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म पढ़ते हैं तो इसकी फुल फॉर्म है एन्जाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे ये फुल फॉर्म आपको याद रखनी जरूरी है क्योंकि काफी बार वाइवा में और आपके नीट एग्जाम में भी पूछा जा सकता है इसकी फुल फॉर्म उसके अलावा ये जो एलिजा टेस्ट है ये किया जाता है एच आई डिसीज को डायग्नोज करने के लिए मोस्टली एंड uh, जो वायरसेस इंफेक्शन होते हैं उसके लिए एलिजा टेस्ट किया जाता है तो एलिजा टेस्ट इज होता क्या है इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन सो आपको ध्यान रखना ये जो लास्ट का ए है इससे ध्यान रखना कि इसमें हम क्या करते हैं इसका जो मेन प्रिंसिपल है वो है एंटीजन और एंटीबॉडी का जो इंट्रेक्शन होता है इनका जो मिलना होता है वो बेस है इस टेस्ट का इंजेक्शन बाय पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड बाई दी प्रेजेंस ऑफ एंटीजन सॉरी इन्फेक्शन इन्फेक्शन बाय पैथोजन अब कोई भी पैथोजन है जो कि डिसीज कॉज कर सकता है उसका इन्फेक्शन हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं बाई दी प्रेजेंस ऑफ एंटीजन उसके एंटीजन अगर हमें बॉडी के अंदर मिल रहे हैं उससे तो एंटीजन कैसे होता है एंटीजन प्रोटीन भी हो सकते हैं ग्लाइको प्रोटीन्स भी हो सकते हैं और बाई डिटेक्टिंग द एंटीबॉडीज सिंथसाइज अगेन दैथोजन या फिर हमारी बॉडी में अगर उस पैथोजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज मिलती हैं तो भी हम कह सकते हैं कि इस पेशेंट को वो बीमारी हो चुकी है या फिर अभी है ठीक है तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आई हुई कि दो तरीके से हम जान सकते हैं एक इन्फेक्शन बाय पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन पहला पॉइंट कि अगर हमें एंटीजन मिल रहा है एलिजा टेस्ट में तो हम मान सकते हैं कि इस पर्सन को वो डिसीज़ है या फिर हम क्या डिटेक्ट करेंगे डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज जो उस तो कि उस पर्सन के बॉडी में बनी होंगी अगेंस्ट दैट पैथोजन। तो आई होप ये छोटी सी शॉर्ट वीडियो में आपको टेस्ट अच्छे समझ में आ गया हो तो डू नॉट फर्गेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब